हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल रीड एंड ग्रो। आज हम पढ़ेंगे अमोनियम म्यूरेटिकम मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है इसके प्रूवर है नैनिंग और इसका कॉमन नेम है सेल अमोनियक। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। क्लिनिकली ये मेडिसिन दी जाती है ब्रोंकाइटिस में, अनोस्मिया के अंदर, कॉन्स्टिपेशन, कोराइजा, कफ, डायरिया, हेमोरॉइड्स, ल्यूकोरिया, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये मेडिसिन एक तो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इसके इंपॉर्टेंट है, पूरी मेडिसिन ये छोटी सी रेमेडी है तो ये पूरी मेडिसिन ही इंपॉर्टेंट है। इसके गाइडिंग सिम्टम भी पूछ लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिम्टम भी पूछ लेते हैं, फीमेल सिम्टम्स भी पूछ लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी इसका 2 मार्क्स में आ जाता है। तो हमें पूरी मेडिसिन को हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है? इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन, इंक्रीजिंग द सिक्रीशन एंड रिटेनिंग देम स्पेशली इन चेस्ट एंड गॉल डक्ट्स। मेन जो स्फीयर ऑफ एक्शन में मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगी वो यही है कि ना इसमें रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहाँ से डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सिस्टम जो है वो ज़्यादा डिस्चार्ज करने लग जाए तो क्या होगा? म्यूकस ज़्यादा बनेगा, तो वो चीज़ इसमें देखने को मिलती है। तो इसमें म्यूकस ज़्यादा हो जाता है। इट इफेक्ट्स द म्यूकोस मेम्ब्रेन, इंक्रीजिंग द सेक्रीशन एंड रिटेनिंग देम स्पेशली इन चेस्ट एंड गॉल डक्ट। इट कॉजेस इरेगुलर सर्कुलेशन, ब्लड सीम्स टू बी इन कॉन्स्टेंट टर्मोइल एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग एबुलेशंस, बर्निंग एंड लोकलाइज थ्रॉबिंग। तो इसमें ब्लड भी इन्वॉल्व है क्योंकि एक मेंस्ट्रुअल यू नो मेडिसिन है जो कि जिसके मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ब्लड भी इसमें इन्वॉल्व है। स्वेयर इफेक्शन ब्लड पर भी है। इट हैज़ ऑल्सो मार्क्ड एक्शन ऑन लीवर एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। इट कॉजेज अल्सरेशन एंड अल्सरेटिव पेन, ऑल्सो डिसलोकेशन लाइक पेन्स एंड टेंशन एज इफ टेंडन्स वर कॉन्ट्रैक्टेड। तो ये जो मेडिसिन है ना इसमें लीवर सिम्टम्स भी मिलेंगे कुछ, मतलब जैसे इसमें स्कैपुला में आपको पेन मिलेगा। तो स्कैपुला में पेन कब होता है? जनरली जब लीवर कंप्लेंट्स होती है ना तो उसमें पेन जो है स्कैपुलर रीजन पे पाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि लीवर कंप्लेंट्स वगैरह के अंदर भी दिया जाता है इस मेडिसिन को। फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स पे भी इसका एक्शन है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है कि मेकअप इट इज स्पेशली अडॉप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश और बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स टू थिन, वुमेन हैविंग लार्ज बटॉक्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाइज क्या होता है कि जो फीमेल रेमेडी हम कह सकते हैं इसको, तो इसमें अपर बॉडी जो होती है वो हैवी होती है, जैसे कि अपर बॉडी जो होगी उसमें फैट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जो लोअर बॉडी है यानी कि जो लेग्स है वो बहुत ज़्यादा थिन होंगे। ये हमें जनरली देखने को मिलता ही है, कई लोग होते हैं जिनका अपर बॉडी बहुत हैवी होता है, ठीक है, एकदम पेट वगैरह बहुत फैट है, लेकिन लेग्स जो एकदम पतले से हैं। तो वैसा इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। टेम्परामेंट कैसा है? मेलेनकॉलिक एंड डिस्पोजिशन टू टीयर्स। तो ऐसे जो पेशेंट होगा ना उसके अंदर डिस्पोजिशन टू टीयर्स का मतलब है जल्दी रो देता है, ठीक है, और मेलेनकॉलिक मतलब सैड है, मूड एकदम उसका सैड रहता है, सैडनेस में रहता है। रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, चिली पेशेंट होता है और म्याजम है सोरा एंड सिफिलिस। क्योंकि सिफिलिस क्यों? क्योंकि अल्सरेशन होने की इसमें टेंडेंसी है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम। गाइडिंग सिम्टम इसके 10 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला है बॉडी लार्ज एंड फैट बट लेग्स टू थिन, ये तो हमने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ ही लिया। फिर है सिम्टम्स एकम्पनीड बाय कफ एंड प्रोफ्यूज ग्लैरी सेक्रेशन, ये भी हमने ऑलरेडी यहाँ हाईलाइट करा था, वही है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेक्रेशन होता है जिसकी वजह से ग्लैरी म्यूकस निकलता है यहाँ पे। देन डायरिया, वॉमिटिंग, इवन ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बाउल ड्यूरिंग मेंसेस, अमोनियम कार्ब पल्सेटेड विद फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट। तो इसमें क्या बोला हुआ है कि जब मेंसेस आते हैं ना इसमें पेशेंट को, तो मेंसेस के साथ में पेशेंट में डायरिया वॉमिटिंग रहेगी और उस डायरिया वॉमिटिंग में ब्लडी डिस्चार्ज होएगा, यानी कि सिंपल डायरिया नहीं है, ब्लड भी निकलेगा। वॉमिटिंग सिंपल नहीं है, ब्लड भी निकलेगा मेंसेस के साथ, ये डायरिया वॉमिटिंग पेशेंट में कंप्लेन करता है। और ये सेम सिम्टम हमने अमोनियम कार्ब में भी पढ़ा है। आप अमोनियम कार्ब का भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो अपलोड करी हुई है। तो अमोनियम कार्ब के अंदर क्या दिया हुआ है कि कोलेरा आता है, मेंसिस से पहले पेशेंट में कोलेरा लाइक सिम्टम आएंगे। अमोनियम म्यूर में भी ऐसे ही सिम्टम है, इसमें कोलेरा नहीं, हम कह रहे हैं डायरिया वॉमिटिंग है। देन ल्यूकोरिया लाइक वाइट ऑफ एन एग, लिकोरिया क्या होता है? डिस्चार्ज होता है विजाइना से फीमेल्स में, एंड ये जो डिस्चार्ज है कैसा होता है? लाइक वाइट ऑफ एन एग, एग का वाइट लिक्विड देखा है ना वैसा डिस्चार्ज होता है। सेम यही सिम्टम आपको मिलेगा एलम एलम मेडिसिन के अंदर, बोरेक्स में, कैल्केरिया फॉस में, कैल्केरिया फॉस में भी यही सेम सिम्टम है लिकोरिया का। देन और क्या है इसमें? प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल,
ब्राउन स्लाइमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन। और जब ये ल्यूकोरिया है उसके साथ में पेशेंट में उसका जो नेवल रीजन होता है वहाँ पे उसको ग्रिपिंग टाइप का पेन होता है। उसके अलावा जब वो यूरिनेशन करता है फीमेल जो करती है पेशेंट, तो उसमें ब्राउन कलर का भी स्लाइमी पेनलेस डिस्चार्ज होता है। लाइक अदर सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड इट हैज़ क्रम्बलिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस नेट्रमियन हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर ग्रेट एफर्ट इन एक्सपर्शन। तो देखो ये क्या है, सॉल्ट है, क्लोराइड के जो सॉल्ट होते हैं वो हार्ड होते हैं, तो जैसे कि वो उस करेक्टर का ही पेशेंट का स्टूल होगा, क्योंकि ये क्या है क्लोराइड से बनी हुई है, अमोनियम क्लोराइड है इसका केमिकल नेम। तो ये इसका स्टूल भी कैसा है, वो हार्ड होता है, तो उसको पास करने में बहुत ज़्यादा पेशेंट में एफर्ट लगता है बहुत ज़्यादा। कोराइजा कैसा है, डिस्चार्ज इज थिन वॉटरी एक्रिड कोरोडिंग द इनसाइड ऑफ द नोस्ट्रिल एंड द अपर लिप। देखो इसमें डिस्चार्ज जो है वो भी प्रोफ्यूज है, कोराइजा भी बहुत ज़्यादा आएगा, चेस्ट में से म्यूकस भी बहुत ज़्यादा आया था, ग्लैरी म्यूकस था, कोराइजा भी बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज है, वॉटरी है, लेकिन एक्रिड है, एक्रिड इतना ज़्यादा कि नोज और जो अपर लिप है वो कोरोड हो जाता है। यही सेम सिम्टम हमें एलियम सीपा में भी मिलता है। देन सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक बिटवीन द स्कैपुला। तो ये चीज़ किसके अंदर दी है कि जैसे जो लीवर कंप्लेंट्स होती है ना, तो उसका जो सिम्टम है वो हमें स्कैपुलर रीजन पे मिलता है। तभी यहाँ सीवियर अफेक्शन में लिखा हुआ है कि लीवर पे भी ये एक्ट करती है, क्योंकि यहाँ स्कैपुला में बीच में आपको पेन मिलेगा और साथ में एक हम कह सकते हैं पेन नहीं कोल्डनेस की सेंसेशन मिलेगी। टेंशन इन दी जॉइंट्स एज फ्रॉम शॉर्टनिंग ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग टेंडन। तो पेशेंट में जो जॉइंट्स होंगे वहाँ पे ऐसे लगेगा मसल्स जो है वो शॉर्ट हो गई हैं, टाइट हो गई हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्शन फील होगा कि मसल्स बहुत कॉन्ट्रैक्टेड है, टाइट टाइट है, पाइल्स हो सकता है। यही ल्यूकोरिया कोई मेडिसिन से मान लो सप्रेस कर दिया या किसी और कारण से, बाथिंग से किसी कारण से ये ल्यूकोरिया अगर सप्रेस हो जाएगा ना, तो आगे क्या बन जाएगा, पाइल्स। ये पाइल्स कैसी है, बर्निंग टाइप की, स्टिंगिंग टाइप की पाइल्स होती हैं, सेंसेशन इसमें बर्निंग टाइप आती है। और रेक्टम में पेशेंट को क्या होगा, जैसे ही वो स्टूल पास करेगा उसके कुछ घंटों तक उसको बर्निंग की फीलिंग आएगी रेक्टम रीजन में, ऐसे तरह की ये पाइल्स है। ऑफेंसिव स्वेट ऑफ द फीट। माइंड कैसा है, शी इज मेलेनकॉलिक मोरोज इल ह्यूमर विद इरिटेबिलिटी एंड डिस्पोजिशन टू बी एंग्री। शी हैज़ एंटीपैथी टू सर्टेन पर्सन विच इज़ वेरी पिक्यूलियर टू हर सेल्फ, फुल ऑफ ग्रीफ विद डिजायर टू क्राई बट कांट। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पेशेंट जो है मेलेनकॉलिक है, मेलेनकॉलिक का मतलब क्या होता है, सैड है, मोरोज का मतलब भी यही है, बहुत दुखी है, इल ह्यूमर्ड है, उसको कोई बात बूत करने में इंटरेस्ट नहीं है, इरिटेट होती है जल्दी पेशेंट, एंग्री है, ठीक है, तो मतलब दुखी मूड है, गुस्सा आता है, इरिटेबल है, ऐसे टाइप का इसका मेंटल सिम्टम है। कुछ तरीके के लोग हैं जो उसको पसंद नहीं होते, उनसे बिल्कुल उसको नफरत होती है और उसको बहुत ग्रीफ है, और इसी दुख की वजह से वो रोना चाहेगी पेशेंट, लेकिन वो रो नहीं पाएगी, ऐसी कंडीशन हो रखी है। देन एलिमेंट्स क्या है, फ्रॉम सप्रेस्ड ल्यूकोरिया, इससे तो पाइल्स डेवलप हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, जिसमें नोज और कफ आ जाता है। नोज कैसा है, आपको आप पता ही है कैसा डिस्चार्ज है, एक्रिड डिस्चार्ज है, प्रोफ्यूज है, वॉटरी है, सो थिन वॉटरी एक्रिड एंड हॉट डिस्चार्ज कोरोडिंग द इनसाइड ऑफ द नोज एंड अपर लिप। देयर इज लॉस ऑफ स्मेल विद ऑब्स्ट्रक्टेड स्टफी फीलिंग एंड डिजायर टू ब्लो इट आउट। ऑब्वियसली बात है डिस्चार्ज कैसे, बहुत एक्रिड है, प्रोफ्यूज है, कोरोड जो हो कर रहा है, इनर जो नोज का पार्ट है वो कोरोड हो रहा है, तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी उसको, स्टफी फीलिंग आएगी, जैसे नाक बंद है उसको कोई स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, तो ऐसे उसका मन करेगा कि वो उसको बाहर निकाले, बट वो सही नहीं होती, नाक बंद हो जाती है। कफ कैसा है, ड्राई कफ है, कफ में आपको क्या मिलेगा, म्यूकस मिलेगा, ग्लैरी म्यूकस होगा, जिसकी वजह से रैटलिंग साउंड आएगी। सो कफ इज ड्राई हैकिंग बट लूज इन आफ्टरनून विद प्रोफ्यूज एक्सपेक्ट्रेशन एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, देयर मे बी होर्सनेस एंड बर्निंग इन द लैरिंग्स। वही आफ्टरनून में ड्राई कफ आ रही है, एक्सपेक्ट्रेशन आफ्टरनून टाइम में ज़्यादा निकलती है देन पूरे दिन में, देर मे बी हॉर्सनेस बर्निंग एग्रेवेशन राइट साइड पे या बैक पे लाई करने से ज़्यादा उसको खांसी आती है। एंड कॉन्कॉमिटेंट्स क्या है कि कफ है ड्राई लेकिन साथ में उसको सलाइवेशन हो रहा है, लीवर सिम्टम्स भी आपको इसमें मिल सकते हैं पेशेंट में। उसके बाद आते हैं इसके रेक्टल सिम्टम्स। रेक्टल सिम्टम्स में क्या है, कॉन्स्टिपेशन, ये 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन कैसे, आपको पता है स्टूल इसका कैसा था, जैसे कि सॉल्ट होता है क्लोराइड का उसको एक्सपेल करना हार्ड होता है, वो हार्ड होता है, वैसे ही स्टूल जो है इसका वो एक्सपेल करना हार्ड होता है। और इसमें क्या है, साथ में म्यूकस भी निकलता है, ग्लैरी टाइप का म्यूकस होता है। एंड उसके अलावा इसमें जो स्टूल्स है ना, वो कोई भी दो स्टूल का कलर या करेक्टर एक जैसा नहीं होता है। ये पल्सेटिला का सिम्टम इसमें आ गया कि नो टू स्टूल्स आर अलाइक। सो कॉन्स्टिपेशन लाइक अदर म्यूरेट्स अमोनियम म्यूर पेशेंट इज यूजली कॉन्स्टिपेटेड
सारे म्यूरेटिकम जो होते हैं ना वो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट होते हैं. देर इज क्रम्बलिंग फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस, हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट इन एक्सपल्शन. क्रम्बलिंग फीलिंग होती है, ठीक है, क्रम्बल हो रहा है अंदर ही अंदर ऐसा लगता है, और बहुत ज़्यादा जोर लगता है एक्सपेल करने में स्टूल को. स्टूल वेरी इन करेक्टर, नो टू स्टूल्स अलाइक, कोई दो स्टूल एक जैसे नहीं होते, कलर अलग अलग होता है, दिखने में भी अलग अलग है. उसके बाद वो म्यूकस बहुत ज़्यादा निकलता है इसमें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्जेस बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज है. देन हेमरॉइड्स, हेमरॉइड्स किस वजह से होएगा, सप्रेशन से, लिकोरिया के, इट कैन बी बॉट ऑफ थॉट ऑफ इन पाइल्स स्पेशली आफ्टर सप्रेस लिकोरिया, हेमरॉइड सोर एंड स्मार्टिंग, दे इज बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द रेक्टम ड्यूरिंग एंड आफ्टर आवर्स आफ्टर स्टूल. तो स्टूल पास करने के बाद में कुछ घंटों तक उसको स्टिंगिंग बर्निंग फीलिंग रहती ही है. फीमेल सिम्टम्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, क्या होते हैं, मेंसेस बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत प्रोफ्यूज आते हैं, ब्लैक कलर का क्लॉटेड ब्लड होएगा, कॉन्कॉमिटेंट्स क्या आएंगे, मेंसेस से पहले डायरिया वॉमिटिंग रहेगा जिसमें ब्लड आएगा, ड्यूरिंग मेंसेस हैमरेज फ्रॉम द बाउल और रेक्टम विद कॉलेरा लाइक सिम्टम, वही सेम अमोनियम कार वाले सिम्टम है. देर इज ऑल्सो पेन इन द एबडोमेन एंड स्मॉल ऑफ बैक ड्यूरिंग मेंसेस. तो मेंसेस में पेन भी रहता है. लिकोरिया आपको पता है ये लाइक द वाइट ऑफ एन एग, वही रहेगा. ग्रिपिंग पेन होता है अराउंड नेविल एंड देर इज ऑल्सो पेनलेस डिस्चार्ज, ब्राउन स्लाइमी म्यूकस आफ्टर एवरी यूरिनेशन. तो वही डिस्चार्ज वगैरह होता है. एग्रेवेशन होती है मॉर्निंग में, एम्यूरेशन होती है आफ्टरनून, सॉरी एग्रेवेशन होती है मॉर्निंग आफ्टरनून में, एम्यूरेशन ओपन एयर में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. तो ये थी हमारी अमोनियम म्यूरेटिकम.